अनंतपुरा थाना क्षेत्र के बर्रा बस्ती में 13 मार्च की रात लाठियों से पीट पीट कर युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मूलतः थाना जावर जिला झालावाड़ निवासी तीनों आरोपी सगे भाई हैं, फिलहाल मृतक के पड़ोसी है। सिटी एसपी शरद चौधरी ने बताया कि घटना के संबंध में मृतक मुकेश नायक के भाई गणेश द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में बताया कि 13 मार्च की रात करीब 8 बजे वह अपने पिता और भाई मुकेश, राहुल और गोलू के साथ घर के बाहर बैठा था। पड़ोस में रहने वाला अशोक पंकज उसके घर आया और राहुल से कहने लगा कि तूने मेरे मकान का ताला क्यों तोड़ा, और गाली गलौज करने लगा। अशोक ने अपने भाई सुरेश और सोनू को भी बुला लिया। सुरेश अपने साथ चारों तरफ तार लपेटा एक मोटा लकड़ी का डंडा लेकर आया। आते ही उन्होंने घर के बाहर खड़े मुकेश के सिर में डंडे से बार बार वार कर गंभीर चोटें पहुंचाई। कोटा एमबीएसएच अस्पताल में इलाज के दौरान 15 मार्च को भाई मुकेश की मौत हो गई। इस मामले में आज कोटा शहर एचपी शरद चौधरी के नेतृत्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 दिन पहले 2 पड़ोसी आपस में, एक नायक पक्ष एक धोबियों का पक्ष, आपस में लड़ लिए लाठी डंडों से। थाना अनंतपुरा जो कोटा शहर में है वहाँ की घटना थी। 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मुलजिमों की तलाश के लिए तुरंत टीमें भेजी गई थी और आज जहर इलाज उनमें से एक पक्ष जो था उसका देहांत हॉस्पिटल में हो गया। पोस्टमार्टम करा करके बॉडी सुपुर्द की जा चुकी है और उसी दौरान हमारी टीम ने जो नामजद एफआईआर में अभियुक्त थे 3 जने, उनको दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त करी। उनसे भी बाद अनुसंधान आज ही गिरफ्तारी डाली जाएगी। 13 तारीख को मामला था सर, शाम को मेरे ताला तोड़ने का वो आया, ताला तोड़ने की ठेकी गया मुझसे। बीमा बोली मैंने कुछ भी नहीं करा, वो चल गया। फिर उधर से आया 8-9 बजे दोनों भाई मिल के, और मैं तो अंदर था, मेरे भाई और मुकेश, मेरा भाई, मेरी छोटी बहन, मेरे पिताजी, वो सब बाहर बैठे थे। वो तो आते इधर से गाड़ी क्लूज करके निकले और उधर से वापस गाड़ी खड़ी करके उनके घर के दरवाजे भी इधर आया ना, आते हुए मारपीट करी मेरे भाई। और मेरे भाई ने पूछताछ करी, मैं दोनों भाई गाड़ी क्लूज का नहीं कर रही। तो कहीं से मारा? लकड़ी मारा। कितने जने थे? 3 भाई तो उठा और एक पिताजी थे। नाम बताओ आपका।